सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुबीर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरकार, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुबीर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जो डिलीट हुए फाइल, फोटो, म्यूजिक, जो कुछ भी होते हैं, वीडियो वगैरह जो कुछ भी होते हैं, वो अगर डिलीट हो जाता है, अगर गलती से भी डिलीट हो जाता है, अगर आपने कभी यार डिलीट भी कर दिया है, तो अगर आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हो, तो आप कैसे ला सकते हो? आप बहुत सोच सोचते हो कि यार मेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो गलती से डिलीट हो गई या किसी ने डिलीट कर दी गलती से, तो आप मुझे वापस लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, इसी के बारे में आज की वीडियो है। मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा, अगर गलती से डिलीट हुई चीजें आप उसे कैसे ला सकते हो। तो सबसे पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है अपने प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा, वहाँ पे आप सर्च कीजिए डंपस्टर, तो आपके यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आ जाएगा और आपको इसको इंस्टॉल करना है। अब मैं इसके थोड़ा सा रिव्यूज़ बता दूँ। 4.2 के इसकी रिव्यूज़ दी गई, 12 MB की फाइल है इसकी साइज और 10 मिलियन प्लस जो इसके डाउनलोडर है, और यहाँ पे इसके और आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिया होगा, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। यहाँ से इसके बारे में जो वीडियो भी यहाँ पे बनाए हुए डंपस्टर द फ्रीडम ऑफ मिस्टेक, तो यहाँ पे से आप इसको वीडियो वगैरह चला के यहाँ पे देख सकते हो जहाँ तक इसको, और यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने हो रहा है। दोस्तों अगर आपको, मैंने इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, आपको प्ले स्टोर पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप वहाँ से क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आ जाओगे, इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट इसीलिए। और आपको सबसे पहले करना क्या है, इस ऐप को ओपन कर ले यहाँ पे, जिसे ऐप तो इंस्टॉल होकर आ चुका है हमारे पास, अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। इसे यहाँ एग्री मांग रहा है, एग्री वगैरह, तो यहाँ पे से 7 डेज तो नहीं, ट्रायल तो हमें लेना नहीं है, हम स्टार्ट विच बेसिक पे नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर जो डिलीट जो ऑप्शन है इस पर हटा देते हैं इन सबको और कंटिन्यू कर देंगे। हेलो वगैरह जो भी मांगता है उसको कर देने, यहाँ पे कर दीजिएगा, और यहाँ पे 12 MB जो MPT प्रोजेक्ट इनको क्लियर कर देना डायरेक्ट। अब यहाँ पे से हमको करना क्या है, हम वापस बैक आ जाना है, इसको हटा दिया। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा गैलरी में जाके, अब यहाँ से कुछ भी फाइल जो भी है मैं आपको आज डिलीट करके दिखाऊंगा, पूरा प्रूफ दूंगा कि ये काम करता है कि नहीं सही से। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह है यहाँ पे, ये तो मैं आपको इनको एक डिलीट करके दिखाऊंगा यहाँ से, जैसे एक डिलीट हो चुका है यहाँ से, मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि यहाँ पर डंपस्टर पर गए और यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ये जो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट, ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको अगर रिस्टोर करना चाहते हो, नीचे रिस्टोर का दिया है, और आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पे कब आपने इसको डिलीट किया है, कितनी तारीख को ये डिलीट किया गया, कौन से फाइल में से इसको डिलीट किया गया है, और आपके रिस्टोर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको, रिस्टोर भी यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे से कर सकते हो। मैं आपको एक एक चीज़ करके जो चारों चीज़ें मैंने बताई है उसको आपको मैं पहले डिलीट करके दिखा दूँ और यहाँ पे से कर दूँ, और आपको जाना है। अब मैं यहाँ पे से कुछ एक वीडियो डिलीट करता हूँ, मेरे पास ये 2 वीडियोज़ हैं, इसको मैं अभी यहाँ पे से इसको डिलीट कर दूँगा, जिसे मैंने यहाँ से डिलीट किया है, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं जाऊँगा बैक, अभी डंपस्टर वापस जाऊँगा, और आप यहाँ पे से देख सकते हो चालू हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया है ये दोनों फोटो, यहाँ पे जो ये दे रखा है ये वीडियोज है, आप यहाँ से इसको चला के भी देख सकते हो, अब यहाँ पे रिस्टोर भी कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक म्यूज़िक डिलीट करके, तो आप म्यूज़िक को भी कैसे रिकवर कर सकते हो। तो इसके लिए क्या आपको जाना है, सबसे पहले फाइल मैनेजर पर, और आपको जाना है अपने जिस भी इसमें फाइल में आपके पास जो सॉन्ग वगैरह जो कुछ भी है, आप वहाँ से इसको जैसे डाउनलोड में है, और यहाँ पे एटीट्यूड वगैरह बेस्ट, यहाँ पहला वाला देख सकते हैं एटीट्यूड वाला है, एटीट्यूड बेस्ट कट्स अबाउट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे से इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद हम जाएंगे तो बैक, पूरा बैक आ जाएंगे, आने के बाद हम जाएंगे डंप स्टेट पे, और यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वाला जो एटीट्यूड वाला जो यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे से अब इसको रिकवर भी कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे से कुछ ऐप्स जो अनइंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कि आप उस पर आ जाएगा, अब मैं क्या डिलीट करूँ, यहाँ पर सभी चीज़ें काम के हैं, तो मैं क्या करूँ डिलीट।
चलो मैं पिक्सल है भी आपको डिलीट करके दिखा लेता हूँ, मैं बाद में इंस्टॉल कर लूँगा, रिकवर भी कर लूँगा इसको। तो यहाँ पे से जैसे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे अब डंपस्टर फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये फाइल आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर देख सकते हो कि पिक्सल है भी यहाँ पे आ चुका है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे तो डिलीट जैसे कोई ने किसी ने गलत करी, गलती से डिलीट कर दिया, अब हम इसको कैसे रिकवर करें, अपने फाइल में दोबारा कैसे लाए। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि आपने कौन कौन सी चीज़ वापस लेना है, जैसे मेरे को पिक्सल वापस लेना है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, और यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी तारीख को जो मैंने यहाँ पे वर्जन वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा, रीइंस्टॉल कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दबा दूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे से इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने देते हैं इसको, यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे से ये इंस्टॉल हो चुका है, मेरे पास वापस आ चुका है, ये देखें यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आपको डंपस्टर पे जाऊँगा, यहाँ पे ए टू डी वाला जो ये था रिकवर, इसको भी कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे देख सकते हो नीचे ऑफलाइन रिस्टोर इज ऑफलाइन। अब मैं यहाँ पे से वीडियो वगैरह या कुछ भी रिस्टोर कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर जाओ, फिर आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करो, जो ऑटोमेटिकली जो फाइल ऑफिस आपके इसमें आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने वीडियो अभी डिलीट की थी उसी में से यहाँ पे से दोनों देख सकते हो, वीडियो पे गए और ये दोनों ऑफिस आ चुके हैं मेरे पास वैसे के वैसे। और जो ऐप्स मैंने डिलीट किया था वो भी यहाँ पे आ गया है, अनइंस्टॉल किया था। अब मैं यहाँ पे पिक्सल ऐप को भी इंस्टॉल किया था जो भी आ गया है यहाँ पे। और ये जो चीज़ अगर आपकी जो कुछ ज़रूरी चीज़ डिलीट होगी तो आप उसे ऐसे रिकवर कर सकते हो। जो म्यूज़िक जैसे कि म्यूज़िक वीडियो ऐप जो भी है, इमेजेस जो भी डिलीट हो, गलती से डिलीट हो, तो आप इस फाइल की मदद से आप उसे रिकवर करके वापस ले सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहता हूँ, अच्छी से अच्छी वीडियो जो मैं लाते रहता हूँ। अगर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो मुझे नीचे आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट कीजिए कि मुझे इसके बारे में जानना है, मैं आप लोगों के लिए उसके बारे में वीडियो बनाने देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के साथ।